हे गाइस, मेरा नाम है नवीन। एंड गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अपने पास है राउटर जो कि अपना सिम वाला राउटर है। ये 4G सिम सपोर्ट करता है। एंड आप यहाँ पे भी अपना देख सकते हो, पोर्ट हमको यहाँ पे देखने मिल जाता है। यहाँ पर आप 4G सिम, 5G सिम, कोई सी भी सिम आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस राउटर की आप ID पासवर्ड कैसे चेंज करोगे। जो इसका एडमिन बाय डिफॉल्ट आता है लिखा हुआ, उस पासवर्ड को आप कैसे फॉरगेट करोगे, और इसके अंदर जो सेटिंग्स हैं उनको कैसे चेंज करोगे। तो गैस चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, अपने राउटर के बैक साइड पे जाना है। एंड राउटर के बैक साइड पे आपको कुछ इस प्रकार का लेआउट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको राउटर का नेम देखने को मिलेगा एंड जो सपोर्ट करता है 4G वाईफाई राउटर यहाँ पर देखने मिल जाएगा। एंड कुछ उसका मॉडल आपको देखने मिलने वाला है। एंड नीचे की तरफ आओगे तो पासवर्ड, पासवर्ड के नीचे आपको देखने मिलेगा डिफॉल्ट IP। गैस यहाँ पर आपको पासवर्ड के नीचे डिफॉल्ट IP मिल रहा है। हो सकता है कहीं और पे ओनली फॉर डिफॉल्ट IP देखने मिले, या फिर IP जो है आपको बॉक्स पे देखने मिले। ये ज़्यादातर राउटर के पीछे ही देखो मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो आपको बॉक्स पे भी देखो मिल जाता है डिफॉल्ट IP। तो गाइस, पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको डिफॉल्ट IP पे जाना पड़ता है। कैसे जाओगे, आपको करना क्या है, अपने स्मार्टफोन को पर जाना है। ये अपना जो राउटर है ये वाईफाई के थ्रू इसमें कनेक्ट करेंगे अपने स्मार्टफोन को इसके साथ। तो यहाँ पर आपको 4G वाईफाई लिखा हुआ देखो मिल रहा है। एंड इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, ये हमारा जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। जो हमने पासवर्ड डाला था ये 1234567 8, ये बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आता है राउटर की ओर से। अब हम इसके जो राउटर की जो पासवर्ड सेटिंग्स हैं उसको हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। मतलब तो अभी हमको जाना है क्रोम ब्राउजर पे। तो हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे जाते हैं। क्रोम ब्राउजर ये अपना आ गया है। एंड गाइस, हमको यहाँ पे सर्च करना है इसका बाय डिफॉल्ट IP, जो कि हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है 192.168.100.1। तो गाइस, ये इसका बाय डिफॉल्ट IP है जो कि अपनी राउटर के साथ हमको देखो मिला है। आपको हो सकता है आपके जो राउटर में बाय डिफॉल्ट जो IP देखो मिले, 100 के बाद 2 भी देखो मिल सकता है यहाँ पे, या फिर 101 देखो मिल सकता है। तो ये अपने राउटर का IP है, इसको हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, मतलब कि सर्च करते हैं। और यहाँ पे आपको देखो मिल रहा है प्लीज़ एंटर पासवर्ड। तो गाइस, ये हमारे जो राउटर के बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स हैं उसका पासवर्ड ये मांग रहा है। तो यहाँ पे हमको इसका पासवर्ड डालना है ADMIN और लॉगिन। तो गाइस, ये जैसे हमने एडमिन, ओनली फॉर एडमिन डाला और ये लॉगिन इसमें हो चुका है। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको इसकी जो सेटिंग्स हैं वो दिखाई दे जाती हैं। एंड यहाँ पे आप इसका मॉडल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ देख सकते हो, कितने लोग इसके साथ कनेक्ट हैं एंड वायर के साथ कितने लोग कनेक्ट हैं इंटरनेट केबल के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गैस, अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो इसकी वेबसाइट थी जिसके साथ मैंने इसमें एडमिन वाला जो पासवर्ड डाला था, वो हो सकता है वाईफाई के साथ बाय डिफॉल्ट आपको लिखा हुआ मिल जाए उसमें। जैसे हमें यहाँ पे 128 देखने मिला है, इसके बॉक्स पे इसका बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस था, जो पासवर्ड था, वो हमको मिल गया था एडमिन ओनली। आप चाहो तो इसमें एडमिन 123 भी डाल सकते हो, और आप चाहो तो इसमें ओनली एडमिन डाल के इसको लॉगिन कर सकते हो। आपको एक दो बार चेक करना पड़ेगा कि पासवर्ड इनक्रप्ट तो नहीं है। तो गैस, अभी अपने स्मार्टफोन पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो मेन सेटिंग होती है वाईफाई के नेम एंड पासवर्ड की, ये आपको यहाँ पे जाना है वाईफाई AP सेटिंग पे जाना है। एंड यहाँ पे कुछ आपको ये पासवर्ड मॉडिफाई का जो ऑप्शन देखने मिलेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको AP नेम देखने मिल जाता है, वाईफाई स्विच का ऑप्शन देखने मिल जाता है, वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से आप। एंड पासवर्ड भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है 128 वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी यही पासवर्ड मेंशन है 128 वाला, ठीक है। तो अभी हम इसके पासवर्ड को अभी यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो जैसे हमने 128 की जगह पे 12890, तो वैसे ये हमने चेंज किया यहाँ पे 12890। एंड यहाँ पर हमने मॉडिफाइड जैसे किया, तो यहाँ पे एक मैसेज आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमको यहाँ पे ओके दबाना है एंड वाईफाई ऑटोमेटिक यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा जो वाईफाई है वो चेंज हो चुका है और दूसरे वाईफाई से शिफ्ट हो गया। अभी वो MIFL FI जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर हमको क्लिक करना है। ये हमारे वाईफाई का नाम है और इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा अभी यहाँ पे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, हमको यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, ये चेंज पासवर्ड का आ रहा है। पहले जो हमने पासवर्ड डाला था 128 वाला, वो अब जी चेंज पासवर्ड के लिए इसीलिए बोल रहा है क्योंकि हमने पासवर्ड जो है चेंज कर दिया है। तो हम इसमें बाय डिफॉल्ट जो हमने पासवर्ड डाला वो डाल देते हैं यहाँ पे 12345678 90। तो ये हमने पासवर्ड जो नया वाला बनाया था आप देख सकते हो,
और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये अपना जो वाईफाई है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपना 4G MIFL FI जो है कनेक्ट हो चुका है अपने स्मार्टफोन के साथ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी दिखाई दे रहा है कनेक्टेड ये शो कर रहा है। एंड गैस अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा नीट एंड क्लीन, जिसमें आपको और भी अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा कि कैसे कनेक्ट करना होता है वाईफाई एंड अपना स्मार्टफोन और कैसे पासवर्ड मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो गैस सब्सक्राइब नाउ एंड थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और नई लेटेस्ट वीडियो के साथ।